उत्तर प्रदेश की अंधी बहरी सरकार जो लोगों को रोजगार, युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है और किसानों से उनकी जमीन छीनकर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के तंबू तैनात तो करा दिए गए हैं, लेकिन उनमें जो उन्हें भरोसा दिया गया था कि स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, पूरी तरह झूठा साबित हुआ है इनका यह दावा। और स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज किसान अपनी आने वाली पीढ़ी को, युवा शिक्षा प्रद शिक्षा से युक्त पीढ़ी को रोजगार दिलाने के लिए आज सड़कों पर विरोध स्वरूप आया है और पूरी तरह अपने पूरे जी जान लगाकर धन बल के साथ संघर्ष कर रहा है। यह है चारों तरफ स्पष्ट है, नीतियाँ कौन बना रहा है। बाहर से श्रमिक लाए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय पात्र युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। नीति के नाम पर अनीति का युग है। देखिए रिपोर्ट। नौजवान साथियों, मेरे बड़े बुजुर्ग सम्मानित क्षेत्र के माता और बहनों, पिछली बार पर हम आए थे आत्मनिर्भर मिला इस कंपनी के द्वारा कि आप लोगों को जल्द होगा तकलीफ बढ़ाया जाएगा, आपके बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। ये पहले से ही तय था कि हम पांच स्तंभों को इतनी मजबूती के साथ निभाएंगे। आपने देखा होगा जैसे पहले देश गुलाम हुआ था, हमारे देश के कुछ लोग अंग्रेजों के साथ उपकार बन गए थे, ऐसे इस चाइनीज कंपनी के कुछ लोग शासन प्रशासन के लोग और यहाँ के क्षेत्र के लोग साथ उपकार बन गए। कान खोल कर सुनना मेरे नौजवान साथियों और अपना बात छठ सम्मानित लोगों और हर एक बच्चों को 40 गुलामों, अगर इन बच्चों को रोजगार नहीं मिला तो आने वाले समय में तो हिलता चला के शीशे के